हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लेकर आए हैं जो निकल रही है आर्मी हॉस्पिटल से। और ये जो आपको आज की जो भर्ती प्रक्रिया बता रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है, यानी कि जो सभी पोस्ट है आपको स्थायी मिल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर आपको इसमें वेतन मिलेगा और सभी स्टेट की जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको फिर बताया कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती प्रक्रिया में रहने वाली है 10th पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो यहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बात की जाए वेतन की तो 25,500 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। अन्य जो स्वीकृत भत्ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ जो पोस्ट मिल रही है वो क्लर्क है, चौकीदार है, ट्रेड्समैन है, मैट है, सफाई वाला है, माली है, कुक है और काफ़ी सारी पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसमें आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको फुल नोटिफिकेशन बताया गया है और आप देख सकते हो जालंधर कैंट से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। जालंधर सैन्य हॉस्पिटल से वैकेंसीज आपको मिल रही है और यहाँ आपको 65 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। तो इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले हम आपको पोस्ट दिखाएंगे कि किस ट्रेड की कितनी पोस्ट आपको मिल रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ बार्बर की आपको 2 वैकेंसीज मिलेगी। इसके बाद चौकीदार की आपको 11 वैकेंसीज मिल जाएगी। यदि आप चौकीदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 वैकेंसीज आपको मिलेगी। कुक की आपको 4 वैकेंसीज मिलेगी और जो स्टिकल जो असिस्टेंट हैं उनके लिए आपको पोस्ट मिल जाएगी 1। ट्रेड्समैन मैट की आपको 8 वैकेंसीज मिल जाएगी। वाशरमैन धोबी की यहाँ आपको 12 वैकेंसीज मिल जाएगी और सफाई वाली आपको यहाँ 27 पोस्ट मिल जाएगी। तो एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया आप निकल के आई है मिलिट्री हॉस्पिटल से और आपको वैकेंसी डिटेल्स बताई है कि यहाँ जनरल SC ST OBC को कितनी पोस्ट मिल रही है, तो ये डिटेल्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 42 वैकेंसी जनरल को मिल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स कैसे अप्लाई करना होगा वो डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो किसी प्रकार की गलत जानकारी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश आपको बताए गए हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो आप किसी भी CAC के अंदर या रोजगारी मित्र पे जाके ये फॉर्म ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक की सहायता से आप फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करके भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रहे हो उस पोस्ट का नाम आपको लिफाफे पे लिखना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएंगे, वीडियो पे बने रहें। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको काफ़ी सारी वैकेंसी डिटेल्स और बताई गई हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा और 7 डेज जो है बढ़ाए गए हैं ये जो पूर्वी राज्य हैं उनके लिए। इसके बाद आपको यहाँ सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया का सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ 2 घंटे की आपकी एग्जाम होगी, अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अलग अलग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको ये फॉर्म भर के भेज देना है। आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको बताई गई है, एडवाइजर में नोटिफिकेशन नंबर आपको बताया गया है, डेट आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना है कि ये जो एड्रेस आप देख सकते हो किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं है, द कमांडेड मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट, पिन कोड आपको ये बताया गया है, PB आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली, यानी कि पंजाब से ये जॉब आपको मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और ये फॉर्म आपको भर के भेज देना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये फॉर्म आपको भर के भेज देना है और इसमें आपको आवेदन फीस के तौर पर 100 रुपये का IPO देना होगा, यानी कि 100 रुपये का IPO देना होगा, यानी कि फ्री नहीं है फॉर्म, 100 रुपये का IPO यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको भेजना होगा और ये आपको इसमें डिटेल्स बताई गई है उसकी, आप देख सकते हो ये डिटेल्स आपको बताई गई है। तो आप यहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं और जालंधर कैट से ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के बाद 45 दिनों तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं तो आप जो अच्छे से इसका फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जालंधर कैंट की रिक्रूटमेंट है, जालंधर कैंट की रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हो ये इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। बार्बर की यदि हम बात करें तो 10th पास है, 10th पास के साथ साथ 1 साल का अनुभव। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपकी अन्य जो पोस्ट है, यहाँ आपको सफाई वाले की सबसे ज़्यादा पोस्ट मिल रही थी, आप देख सकते हो इसमें आपकी 10th पास है, 10th पास के साथ साथ 1 साल का यदि आपके पास ट्रेड में अनुभव है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ सभी पोस्टों में जो है अनुभव की आवश्यकता आपको बताई गई है, यानी कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, तो आप आसानी से वर्किंग नॉलेज का सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 25 वर्ष है जनरल की एज है और इसके बाद SC ST और OBC को 3 से लेकर 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।